हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और टॉप फाइव मूवीज एंड वेब सीरीज लाइक वाली वीडियो में। और आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट होने वाला है टॉप फाइव वेब सीरीज लाइक अरनायक। अरनायक है या अरनियाक है, इसका नाम नहीं बोला जाता मुझसे। हाँ, टॉप फाइव वेब सीरीज लाइक ARANYAK, अरनायक के। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पांच ऐसी वेब सीरीज बताऊंगा जो क्राइम थ्रिलर ड्रामा पे बेस होने वाली है, जिनमें आपको मर्डर मिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। तो कौन सी वो वेब सीरीज पांच हो, वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरी डिटेल आपको मैं दे दूंगा, क्विक रिव्यू करके जाऊंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो में बताया गया कोई भी वेब सीरीज आपको पसंद आए तो वीडियो पे एक अच्छा सा लाइक कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल भी क्लिक कर लेना ताकि बाबू सोना जादू टोना गए मैसेज से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट AK और आप देख रहे हो टीवी क्लब पॉइंट। तो पहले नंबर जो वेब सीरीज आती है, दरअसल उसे पहले से ही लोग बाग क्या कहते हैं अरण्यक से तुलना करते आ रहे थे। तो पहले नंबर जो वेब सीरीज आती है वो एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर जोनर की वेब सीरीज आती है। 8.5 की रेटिंग के साथ 2020 में रिलीज हुई थी। वेब सीरीज का नाम है असुर। इसकी कहानी की बात करें तो सीरीज में एक सीरियल किलर की कहानी को दिखाया गया है जो कि लोगों को मार रहा है और मारने के बाद में उनकी एक इंडेक्स फिंगर जो है उसे काट के ले जाता है। तो कौन है वो सीरियल किलर और क्यों कर रहा है वो ऐसा, इसके पीछे का राज क्या है, ये सब आपको सीरीज में दिखाया जाएगा। और किस तरीके से मर्डर मिस्ट्री को सोल्व करेंगे ये सब आपको इसी सीरीज में कहानी में दिखाया जाएगा। लगभग इसका अभी तक एक पहला सीजन आ चुका है, शायद इसका सीजन टू भी आने वाला होगा। तो आप जो है इस सीरीज को जाके चेकआउट कर सकते हो। सीरीज की डार्क टोन काफी हाई है, मैं ये कह रहा हूं ये अपने टाइम की काफी ही बेस्ट वेब सीरीज रहने वाली जो है, आपको काफी पसंद आई तो जाके इसे जरूर चेकआउट करें। बाकी बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर की वेब सीरीज की तरफ। दूसरे नंबर पर जो मर्डर मिस्ट्री वाली वेब सीरीज आती है, दरअसल वो एक थ्रिलर जोनर की वेब सीरीज है जो 8.6 की रेटिंग के साथ 2021 में ही रिलीज हुई थी और वेब सीरीज का नाम है कैंडी। सीरीज की अगर कहानी की बात की जाए तो इसमें एक ब्रूटली स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है और उसके पास में हमें एक कैंडी मिलती है जो स्टार्टिंग में हमारे क्लू मिलता है। तो किस तरीके से जो है इस कैंडी के बिना पर वो मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है और उस कैंडी जैसी मतलब टॉफी जैसी दिखने वाली कैंडी के पीछे का राज क्या है, ये सब आपको सीरीज में दिखाया जाएगा। सीरीज की मर्डर मिस्ट्री जो है थ्रिलर मिस्ट्री काफी ही कॉन्सेप्ट बढ़िया है, सीरीज काफी ही ज्यादा डार्क है ये भी, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें आपको जो है नार्कोटिक्स वगैरह का भी जो है टोन देखने के लिए मिलेगा। तो इस सीरीज को भी जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हो, सीरीज आपको काफी ही पसंद आएगी। बाकी बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर की वेब सीरीज की तरफ। तीसरे नंबर पर जो वेब सीरीज आती है वो एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री जोनर की वेब सीरीज आती है जो 7.5 की रेटिंग के साथ 2021 में ही रिलीज हुई थी। सीरीज का नाम है द लास्ट हावर। सीरीज की कहानी की बात की जाए तो इसमें एक शामन की कहानी दिखाई गई है जिसे एक सीक्रेट गिफ्ट होता है कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकता है 24 घंटे के अंदर। तो उसी दौरान हो जाता है एक मर्डर, तो उस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस वाले उससे मांगते हैं हेल्प शामन से कि आप इसके जो है आत्मा से बात करके बताओ कि इसका खून किसने किया। इस तरीके से सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है और किस तरीके से जो है पुलिस और शामन मिलकर उस मर्डर को सोल्व कर पाते हैं या नहीं, ये सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज काफी बढ़िया है, इसे जाके देख सकते हो, आपको जो है अरनायक वाली फील थोड़ी बहुत आ जाएगी क्योंकि इसमें भी पहाड़ी वाले इलाके दिखाए गए हैं। तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी, जाके जरूर चेकआउट करें। बाकी बढ़ते हैं हम चौथे नंबर की वेब सीरीज की तरफ। चौथे नंबर की वेब सीरीज आती है, दरअसल वो एक हॉलीवुड वाली वेब सीरीज आती है जो कि क्राइम ड्रामा मिस्ट्री जोनर की वेब सीरीज है। 7.7 की रेटिंग के साथ 2021 में ही रिलीज हुई थी। वेब सीरीज का नाम है द चेस्टनट मैन। सीरीज की कहानी की बात करें तो इसमें भी जो है एक ब्रूटली लेडी का मर्डर हो जाता है एक प्लेग्राउंड में और उसका एक हाथ कटा हुआ होता है और उसके पास होता है एक छोटा सा रखा हुआ चेस्टनट। सीरीज फिर इसी कॉन्सेप्ट पर फोकस करती है कि आखिर वो सीरियल किलर या कौन है चेस्टनट मैन जो लोगों को मार रहा है और उनके बॉडी पार्ट भी गायब कर रहा है। वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, पहले एक का एक हाथ कटता है फिर दूसरा जो मर्डर होता है उसके दोनों हाथ कटते, इस तरीके से ही सिलसिला चलता जाता है। तो कौन है उसके पीछे और क्या है इसके पीछे का राज, ये सब आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। सीरीज काफी ही ज्यादा डार्क है, मैं ये कह रहा हूं बहुत ज्यादा डार्क है, आप जो है बीच-बीच में थोड़ा सा बोर भी हो जाओगे क्योंकि काफी ज्यादा स्लो भी है। तो आप लेकिन अगर आप चाहते हो एक अच्छी वेब सीरीज देखना कोई डार्क वाली जिसमें आपको मर्डर मिस्ट्री काफी अच्छी देखने के लिए मिले, तो आप इस सीरीज को जाके जरूर चेकआउट करें। बाकी बढ़ते हैं अपने पांच और आखिरी नंबर की वेब सीरीज की तरफ। पांच नंबर की वेब सीरीज के बारे में बताने से पहले, अगर आपको ये चार वेब सीरीज जो है पसंद आई हैं और आपको लगता है कि हाँ ये वेब सीरीज आप जाके चेकआउट करने वाले हो, तो एक वीडियो पे प्यारा सा लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर बताना कि आपने इनमें से कोई सी वेब सीरीज देखी है या नहीं। बाकी करते हैं पांच नंबर की वेब सीरीज की बात। तो पांच नंबर में एक एक्शन क्राइम थ्रिलर जोनर की वेब सीरीज आती है जिसकी रेटिंग थोड़ी कम है, 5.8 की रेटिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हो। रिलीज हुई थी 2021 में और वेब सीरीज का नाम है काठमांडू कनेक्शन। सीरीज की कहानी की बात करें तो इसमें जो है एक ऑफिसर का मर्डर हो जाता है और उसका केस जो मिलता है हमारे सोनू सैनी को मिलता है जिनका नाम इसमें दाऊद इब्राहिम करके कुछ होता है। तो वो किस तरीके से इस केस को सोल्व करते हैं और जैसा कि वेब सीरीज का नाम है काठमांडू कनेक्शन, तो उस मर्डर के साथ काठमांडू का क्या कनेक्शन होता है, यही इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज में 6 एपिसोड टोटल है तो आप इसे जल्दी से खत्म कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो इसकी मतलब लूप होल है वो मतलब स्टोरी टेलिंग है कि आपको इतना मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तब भी एक मर्डर मिस्ट्री वाली वेब सीरीज देखना तो आप इसे जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हो, आपको काफी पसंद आएगी, जाकर जरूर इसे चेकआउट करें। बाकी करें अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको पांचों के पांचों वेब सीरीज जो है पसंद आई होंगी। इनमें से कौन सी वेब सीरीज आपने देख
देखनी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर बाई चांस नहीं देखी है तो कौन सी आप जाके देखने वाले हो ये भी मुझे जरूर बताना। और बाकी करते हैं अपनी यहाँ पे वीडियो को एंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि बाबू सोना जादू टोना गेम से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आप मुझे डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर सकते हो, मैंने वहाँ पे एक सर्वर क्रिएट कर दिया है, आप मुझे वहाँ पे मीम वगैरह शेयर कर सकते हो, फिर बाद में मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या मुझे आप कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेना। और बाकी मैं वहाँ पे जो है क्विक ट्रेलर या क्विक रिव्यू वाली वीडियो भी डालता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेना। बाकी मैं देता हूँ आपसे अलविदा, आप रखना अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।